नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज में। हम हैं उप तहसील कार्यालय मंडार पर, जहां पर भारतीय किसान संघ का जो धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेकर, आज उनका 8वां दिन है। आज उन्होंने ज्ञापन भी दिया है नवनियुक्त नायब तहसीलदार रामलाल चौधरी को, और हमारे साथ में सभी किसान भी हैं। और हम बात करेंगे तहसील अध्यक्ष माराम चौधरी से। माराम जी, बताइए क्या है, कहाँ तक आपकी ये जो संघर्ष पहुँचा है? साहब, संघर्ष पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ पर हर तहसील स्तर पर भारतीय किसान संघ का अपना धरना प्रदर्शन जारी है। और जब तक सरकार किसानों की 833 मुख्य रूप से मांगे जो सब्सिडी बकाया है उसके समेत अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान कल हमारे यहाँ के क्षेत्र के पूरे प्रदेश के किसानों ने मित्रा का संख्या भी धरना स्तर पर मनाने का कार्यक्रम किया है। और मैं मन की आवाज़ न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि हम देते हैं सभी किसान की समय समय पर अपने यहाँ के क्षेत्र के किसानों की आवाज़ को सही तरीके से उठाकर सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मन की आवाज़ न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है और हम सभी आपका खूब खूब धन्यवाद देते हैं। भारत माता की जय हो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।